अल्लाह नाजरीन आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूँ शहजाद इकबाल कोयटा को एक मरतबा फिर दहशत गर्दों ने दहशत गर्दी का निशाना बनाया इस बार बुजदिलों ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाके हमला किया जहां पर इकसठ अहलकार जो कि ट्रेनिंग ले रहे थे जेर तरबियत थे उनको शहीद किया और सौ से जायद एहलकार जो है वो इसमें जख्मी है और उनमें से बहुत बहुत सारे इस वक्त जेर इलाज है इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही अफसोसनाक वाक्य है और चंद महीने पहले ही हमने देखा था बल्कि चंद हफ्ते पहले ही हमने देखा था कि कोयटा में जो क्रीम थी लॉयर्स की उनको निशाना बनाया गया था और आज जो है पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक बहुत बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस का सिक्योरिटी का इसमें जिम्मेदारी सबको लेने की जरूरत है चाहे वो वफाकी हुकूमत हो सूबाई हुकूमत हो या हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दायरे क्योंकि सब ने मिल इंश्योर करना है कि जान और माल इंसानों की और पाकिस्तानियों की जो है वो बहिफाजत रहे आज सना जहरी साहब ने इसका जिक्र भी किया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले से मौजूद थी और इसके बावजूद हमने ये हमला देखा है क्या कहा है सना जहरी साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए तीन चार दिन पहले मैंने मुझे बताया भी गया था कि कुछ खुद कुछ यहाँ पर आए हुए हैं कोटा शहर में और कोटा शहर को आपने देखा हमने फुल प्रूफ यहाँ से कोठी बनाई और कोशिश उनकी थी कि यहाँ पर कोई सॉफ्ट टारगेट उनको मिले या हार्ड टारगेट उनको मिले लेकिन अल्लाह ताला के फजल से हमने कोटा शहर को सेफ किया और में तो नहीं मिला, तो फिर उसके बाद उन्होंने कोयटा तो हाई अलर्ट पे था वहां पर कोई दहशतगर्दी नहीं हुई लेकिन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को जो है वो निशाना बनाया गया बात सिर्फ इतनी नहीं है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के हवाले से भी पहले से कहा गया था इसमें सिक्योरिटी काफी नहीं है इसकी दीवारें बहुत नीची है उनको ऊंचा करने की जरूरत है और इसका मुताबा खुद आई जी बलूचिस्तान ने किया था और सनाला जैरी साहब चीफ मिनिस्टर ने कहा था तमाम उनके मुताबिक पूरे हो जाएंगे इस बात को तकरीबन डेढ़ पौने दो महीने हो चुके हैं लेकिन फिर भी ना तो दीवारों को ऊंचा किया गया ना तो इस जगह की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया क्या मुतालबा था आई जी बलूचिस्तान का और इसके अलावा सनाउला जैरी साहब ने उस पर क्या कहा था सुनिए सर ये जो जिस जगह हम खड़े हैं ये फ्री स्ट्रेनिंग कॉलेज है सर यहाँ की कुछ डेवेलपमेंट स्कीम है तो आप मेहरबानी करेंगे उसमें सबसे जो प्रेसिंग है वो इसकी बाउंड्री वाल है और लोकेशन के हिसाब से इसकी स्पोर्ट ही है तो मैं आपसे बर्खास्त करूंगा फिर उसकी मंजूरी जरूर फरमा दें आई जी साहब ने यहाँ पर कुछ चार मुतालबात पेश किए थे बाउंड्री के हवाले से हाँ तो उसकी भी मैं मंजूरी देता हूँ हासिल की तमीर के लिए फंड की उनकी बातचीत हो रही थी, कि थी अफगानिस्तान से तो इससे यकीन जो बॉर्डर पार लोग हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है लेकिन इन्वॉल्वमेंट चाहे इंडिया की हो चाहे अफगानिस्तानिस्तान की हो सवाल जो हमारे सामने है वो ये है की ये लोग कोयटा कैसे पहुंचे और कोयटा में हमला कैसे हुआ इसकी निशानदेही करने की जरूरत है और चौधरी निशाद साहब ने कहा जिसकी जिम्मेदारी है उस पर जिम्मेदारी डाली जाएगी सस्पेंशन होंगी और इन, इसका फुल जो है वो अकाउंटेबिलिटी होगी इस पर हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है आपकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनमा एस एन इकबाल साहब एस एन साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे साथ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब भी होंगे लाहौर से और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है इंटीरियर मिनिस्टर बलूचिस्तान सफराज बकरती साहब आपकी इजाजत से जरा सफराज मुक्ति साहब से जरा इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू ले लें क्या अपडेट है इस वक्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद होने के बाद ये वाक्य तो हो गया इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा भुक्ति साहब देखिए पहली इन्वेस्टिगेशन तो ये जरूर है कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई है और इंडियन रॉ ने इसको प्लान किया है और अफगान अफगानिस्तान में लश्कर जंगी आलम इस्लामी जो है जिसका अबू सुफियान हैड है उसने इसको एग्जीक्यूट किया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेंशन करने की जो दाइश का नाम लिया गया है और जिस तरह दाइश ने उसको क्लेम किया है वो फॉल्स क्लेम है और ये लश्कर जंगवी ने ही आ, ये हरकत किया है और मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ आपके इनिशियल पे कि जिस दीवार का आप जिक्र कर रहे हैं सी एम साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी है जाहिर है कुछ ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स होते हैं कुछ गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं उन प्रोसीजर्स को फॉलो करना बड़ा जरूरी होता है आपको पता है कि हमारे यहाँ किसी भी ट्रेंडिंग में पेपरा रूल्स हैं और बहुत सारे रूल्स हैं क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं वो बेहतर कमेंट करेंगे बाद में नंबर ये कि तो मतलब आज इकसठ लोगों की जान चली गई और ये सिर्फ बात सितंबर सितंबर की नहीं है गुजारिश सर 2006 2008 इसी कैंपस आठ कॉलेज में दो हमले पहले भी हो चुके हैं आपने अगर आपने मुझे कंप्लीट करने देना है तो जी जी बिल्कुल देने के नहीं करेक्ट आप मुझे नहीं कर सकते हैं मैं आप, मैं खुद करेक्ट हूँ अलहमद लाला ले जरा बात यह है कि अगर सिक्योरिटी लैब्स है वो लोगों की उधर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की वो हमारी जिम्मेदारी थी और अगर उस जिम्मेदारी में कोई कोताही बर्दाश्त की गई है जैसे चौधरी निसार अली खान साहब ने फरमाया है बिल्कुल उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा उसको सजा दी जाएगी और उसके लिए हमने 24 फोर आवर्स का टाइम रखा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने 24 फोर आवर्स के अंदर हम उसको प्रूव कर रहे हैं और प्रोब करके उसको कॉम के सामने लेकर आएंगे एक बात जो मैंने आपसे कही और, वो ये है कि 2006 और, में आप जरा सुन ले 2006 और 2008 में भी इसी कॉलेज पर हमला हो चुका है तो दीवार अगर नीची थी तो वो खाली सितंबर की बात नहीं है पता नहीं इशू कब से चलता हुआ आ रहा हो आपकी हुकूमत को भी वहां पे 3 साल हो गए देखिए अगर हम इस रिबेटल में पड़े रहेंगे तो मैं आपके साथ को रिबेटल नहीं करना चाहता हूं मैंने अगर अफगानिस्तान तो मैं तो 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 करना है नजन <laughs> आप ओपिनियन करें आप जर्नलिज्म करें मैं ये कह रहा हूँ कि हम रॉ का नाम लेकर बेकुल बरी नहीं होते हम तो एक कंसेंसस डेवलप करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी कौम में एक रिजॉल्व आ जाए कि हमारे साथ ये खून की होली खेल कौन रहा है नंबर वन नंबर टू मैंने आपको मुख्तसर बता दी है दीवार अगर फर्ज करें नहीं भी है तो क्या शहरों के पे फसी खड़ा कर देंगे तो वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है लोगों को प्रोटेक्ट करने की जहाँ पे तो अच्छा, एक चीज के जवाब देते इंटेलिजेंस ने इंटेलिजेंस तो... ने इसकी निशानदेही कर दी थी चंद आई विटनेसेस ने हमसे कहा हुआ है चंद आई विटनेसेस ने ये कहा कि हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई थी पता नहीं हमें क्यों वापस बुलाया गया कि क्यों कह रहे हैं ये जो रिक्रूट्स थे वहां पर देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और रिक्रूट्स को कहीं भी किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है वो पुलिस में जब जॉब कर रहे हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है अब हमने मजीद उनको एक एटीएफ ट्रेन करना था एंटी टेररिस्ट ट्रेन करना था इसलिए उनको बुलाया गया बहुत बहुत शुक्रिया आर... साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए इकबाल साहब ये जो आज क्या आप नहीं समझते ये एक कलेक्टिव फेलियर है हमारा देखिए बहुत अफसोसनाक है और जैसे कि इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि इसमें जहाँ जहाँ कोई लैप्स है उसके कार्रवाई भी होनी चाहिए और मुस्कबल के लिए तमाम होल्स को प्लग भी करना चाहिए क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि हमें एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं किसी लैप्स को जस्टिफाई करने की लेकिन ये एक जंग है जिसमें दुश्मन बहुत डेस्परेट है और वो पसपाई के वक्त और जब उसके ऊपर घेरा तंग हो रहा है तो वो इस तरह की शायद और भी चंद एक वाकयात करेगा और हमें ज़ेनी तौर पर इस चीज़ को देखना और पड़ेगा और आमादा रहना पड़ेगा कि ये फेसलस एनमी है ये बोखलाट में ये अपनी बुजदली में और चंद एक ऐसी हरकतें कर सकता है लेकिन रफ्तार रफ्तः हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का और हमारे और हमारे दीगर सिविल इदारों का घेरा इनके खिलाफ तंग होता जा रहा है ये जैसे कि आपने देखा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अफ़गानिस्तान से हुआ या रॉ ने किया तो रॉ ने और हमारी तरफ कोई, कोई मिठाई तो नहीं भेजनी उन्होंने तो इसी किस्म के काम करने हैं ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी पेशबंदी हम अपने हिफाजती इंतजाम और जो हमारी प्रिकॉशनस हैं पूरी करें और दूसरे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वाक़ दोबारा हमें रिमाइंड कराता है दॉर इज़ नॉट ओवर येट और मुकम्मल हमें इतिहाद और यगानगत की ज़रूरत है देखिए अगर पाकिस्तान के अंदर हम आपस के अंदर इंतशार में होंगे तो इन शरपसंदों और दहशत गर्दों को मजीद स्पेस मिलेगी हम सबको मिलकर जिस स्पिरिट के साथ हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसी स्पिरिट के साथ उस वक्त तक जब तक इनका मुकम्मल कलाकुमानी हो जाता मुतहद होकर इस जंग को आगे लेके जाना देखिए नेशनल एक्शन प्लान एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमने एक पॉलिसी मेकिंग की थी ना तो बुनियादी चीजें मिसिंग है एक वॉचमैन वहां पर टावर पर मौजूद था उस जगह पर जहां पर पिछले दस साल में दो हमले हो चुके हैं दीवार की आपने सुन ली वो कह रहे हैं आप प्लानिंग आप बता में सकते हैं जो रूल ऊंची करने के लिए जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग हो रही है जो इससे पहले वाला पर अटैक था सर तो, वहां पे एक चौकीदार आ, था जिसके पास गन भी मौजूद थी जो वहां पे को मार दिया सितंबर में उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने अप्रूवल दी थी तो जो मुजा हमारे कवानी हैं और पेपरा रूल्स हैं उसमें एक चीज की मंजूरी से लेकर एग्जीक्यूशन तक डिपेंडिंग अपॉन के किस हुजम का वो प्रोजेक्ट है कैसा है इट कैन टेक लाइक एनी टाइम टू थ्री मंथ्स टू सिक्स मंथ्स क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैं और आपको पता है कि आजकल जो इन्वायरमेंट है नैब और ये कोई सरकारी अफसर इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है हर कोई कहता है कि जनाब मुकम्मल तौर पे हर चीज़ को आप फूंक फूंक के करें तब उसके बाद होगा ये हमें सूरत हाल का सामना है लेकिन अगेन हैविंग सेड दिस आई वुड से कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे देखिए ये एक ऐसा प्राइम एरिया है कि ये ना सिर्फ कोयटा के अंदर जैसे आप कह रहे हैं तीन दफ़ा हो चुका है लाहौर के अंदर हो चुका है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स हार्ड टारगेट्स हैं और इनके ऊपर अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स था तो वो नाकाबले आ, कबूल है उसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए सही गुलाम मुस्तफा साहब इंटेलिजेंस लैब्स था क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन थी उसके बावजूद लोगों को नहीं पकड़ा जा सका लेकिन ये जो बेसिक सिक्योरिटी लैब्स है जैसे मैंने हवाला दिया अभी जो लॉयर्स को मारा गया था जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर एक चौकीदार था कोई गार्ड वहां पर सिक्योरिटी मौजूद नहीं था और उसी हॉस्पिटल में पहले भी हमले हो चुके हैं आज जिस ट्रेनिंग कॉलेज पे हमला हुआ उस कॉलेज पे पहले भी हमला हो चुका है तो इन बेसिक चीज़ों को हम क्यों नहीं दुरुस्त कर रहे देखिए एक तो लापरवाही एक तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है मैं समझता हूँ ये जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं या जिस तरफ हम जाना चाह रहे हैं या जिस तरफ हम जा रहे हैं ये तो बड़े अजीब सी सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को इस वक्त और बलुचिस्तान के हालात तो वैसे भी आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक खराब थे आहस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं लेकिन जब से उड़ी का वाक़ हुआ है और उनके वजीर दाखिला ने बड़ा वाजह ये बयान दिया था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और हम सबको ये पता था कि बलोचिस्तान एक टारगेट है और बलोचिस्तान में इससे पहले वारदातें हो चुकी हैं और बलोचस्तान एक ख़ास मकसद के तहत टारगेट किया जा रहा है तो इस सिलसिले में तो यहाँ पर एफर्ट्स डबल होने चाहिए थी अब ये मैं बात सुन रहा हूँ कि दीवार का अप्रूवल हो गया था होना चाहिए था आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि ये स्कूल आज का तो नहीं बना हुआ और कोयटा दहशत का शिकार आज से तो नहीं है कि तो यही जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे पुलिस का अगर इसकी हम प्रोटेक्शन नहीं कर सके और इसकी हम दीवार नहीं बना सके और बाकी जहाँ देख लीजिए अगर हमारे दूसरे जो इदारे हैं जो बड़े लोग हैं या जो हमारे वज्रा हैं या उससे हायर अप्स हैं आप उनकी सिक्योरिटी को देख लीजिए और जिन लोगों ने ख़ुद सिक्योरिटी इन सबको फ्राहम करनी है अगर उनकी ये हालत है और उस कि का ये आलम है तो फिर आप देख लीजिए मामला है, है, है। जी, जी जी, सर्व करना था उनमें से चंद जख्मियों से नुमाइंदे शाह हुसैन ने कुछ देर पहले अस्पताल में जाकर बात की सुनिए क्योंकि इसी तरह का हु बहु एपीएस में अटैक हुआ था जब कमरे कमरे में जाकर क्लासरूम में जाकर बच्चों को वहां पर शहीद किया गया था चार सदा दोनों लोकेशन पे मैं खुद गया था चार सदा में भी यही हुआ था जहां पे स्टूडेंट्स को कमरे में जा जाकर मारा गया था बिल्कुल आज ही का इंसिडेंट इंसीडेंट इसी तरह पेश आया तो था जो सुनिए क्या कह रहे थे करीब दस बजे का वाक्य था जो फायरिंग की हमने आवाज़ सुन ली हम बैरक में बैठ रहे थे तो फायरिंग की आवाज़ सुन ली तो सारे बंदे चारपाइयों के नीचे गए नीचे गए फिर फायरिंग करता रहा उसके बाद ग्रनेट फेंकता रहा हम घबरा गए हमने सारे लाइट बंद कर लिए और चारपाइयों के नीचे रहे फिर अचानक एक ने दरवाजे पे लात मारा लात मारा नीचे बैठ गया सारे चारपाइयों के नीचे देखता रहा और एक एक को गोली मारता रहा कौन थे चेहरा उसका नज़र नहीं आ रहा बस हम सब अपने आप को छुपाया था लेकिन उसने एक एक मारा हमको भी गोली लग गया कुछ दोस्त शहीद भी हो गए और उसके बाद ये फायरिंग चलता रहा तकरीबन दो घंटे तक चलता रहा फिर आखिर में उसने खुदकुश उसको उड़ा दिया हमारे हॉस्टल के अंदर कुछ बंदे जल गए सिक्योरिटी की कमी थी हमारे के सामने गेट के सामने से दो बंदे थे उसने बैर शुरू किया और वो दोनों भाग गए पता नहीं शहीद हो गए हमको नहीं पता सर हमने उन लोगों को अभी तक नहीं देखा है हम चारपाई के नीचे लेटे हुए थे और दहशतगर्द का मेरे ख्याल में वो पश्चिमी बात कर रहे थे सर नहीं फौजी वर्दी थी सिविल वर्दी में थी फौजी वर्दी में नहीं थे तकरीबन सात से आठ के दरमियान थे सात आठ थे मेरे ख्याल में उन लोगों ने फिर भी दो तीन उन लोगों में से खुदकुशी कर ली थी दो एक दो को पकड़ा गया था और दूसरे मेरे ख्याल में पता नहीं फिर क्या हुआ फिर हम लोग को पता नहीं हम सोने की तैयारी कर रहे थे अचानक गोलियों की आवाज़ सुनी तो हमारे दो सिंत्री को मार दिया गया शहीद किया तो हम लोग भाग गए इस तरफ उस तरह हमने चारपाई के नीचे सो के नीचे सो गए अचानक वो खिड़की के पास आ गया उसने ब्रेस्ट लगाया और एक गोली मुझे लगा एक मेरे दोस्त को शोएब वो शहीद हो गया और एक सरताज को वो भी शहीद हमारे पास असला नहीं था हमारा ड्यूटी नहीं था ना तो उन लोगों के पास और ड्यूटी थे ड्यूटी कर रहे थे उसके पास थे और उन लोगों को मार दिया शहीद किया गया ट्रेनिंग मुकम्मल हुआ था लेकिन हमें पता नहीं किस लिए हमें बुलाया गया हमें हमें किसी से नहीं पूछा क्यों हम हाँ थे। गो आपने सुनी इनकी किस तरीके से दहशत ने आके हमला किया एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नवंबर दो जो एहतजा है तरीके इंसाफ का जिसमें इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कुछ भी हो जाए ऐतजाज दो नवंबर को ही होगा इस पर बात करेंगे वेलकम बैक नाजीन एसन इकबाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है एहसन इकबाल साहब आज इमरान खान साहब ने जब बात की जब उनसे साना के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं जिस तरह सॉफ्ट स्टांस है उनका इंडिया के हवाले से इसराइल लॉबी के हाथों वो खेल रहे हैं ये कल उनका बयान था क्या कहेंगे इस पर आप मैं इसमें हंसी सकता हूँ देखिए वन डज नॉट एक्सपेक्ट के इमरान खान जैसा पॉलिटिशियन इस कदर नीचे चला जाए कि वो अपने मकासद के लिए मुल्क के सिक्योरिटी के मामलों को इस तरह डिस्कस करें उस प्राइम मिनिस्टर के बारे में जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया उस प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि जिसने पूरी दुनिया से टक्कर ली उस वक्त और पाकिस्तान को एक नाकबले तस्खीर एटमी ताकत बनाया और जिसने अभी कश्मीर के मौक़ को पूरी दुनिया के सामने भी पेश किया देखिए नवाज़ शरीफ साहब का जो बदतरीन दुश्मन है वो भी उनकी वतनी पे शुबा नहीं कर सकता तो ही इज मेड इन पाकिस्तान थौर पाकिस्तानी और इसके बाद किसी की वतनी पे शक ये ये नहीं ये करना ये, चाहिए ये, लेकिन ये बात तो है जैसे जो कुलभूषण बा, वाली बात की जाती है ये प्राइम मिनिस्टर लेवल से नहीं आती है बात जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की तरफ से आती है मैं आपको बताऊं ये सारी पॉलिसी जो बनती है इस इसमें बहुत डिलिब्रेशन करनी पड़ती है आपको मालूम है कि इंडिया की क्या कोशिश है इंडिया की कोशिश है कि वो बलोचिस्तान को इंटरनेशनलाइज करे आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ सैनिटर्स हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि बलोचिस्तान को हम इंटरनेशनलाइज करें आपको मालूम है कि जो बलोची बागी हैं उनकी क्या कोशिश है कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बलोचिस्तान को हम लेके जाएं और पाकिस्तान भी अगर यही काम करे तो हम किसके ट्रैप में जा रहे हैं हम तो समझते हैं कि बलोचिस्तान का कोई इशू नहीं है वो इस लेकिन यहाँ पे का इशू तो थी, है वो हमारा इंटरनल है खुद इंटीरियर मिनिस्टर वो हमारा के और वो हमारा अफगानिस्तान इंटरनल इशू है इन चीजों को आप डील करते हैं वर्किंग लेवल पे डोजियर्स के जरिए बातचीत के जरिए ये एक बच्चों की डिप्लोमेसी चीज नहीं होती कि जो एनमी आपका चाहता है आप भी उसी ट्रैप के अंदर आए और खुद आप बलुचिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे उठा के आप उसको दुनिया के सामने एक मतनाजा बनाने की कोशिश करें क्या आप उस नैरेटिव में फीड करना चाहते हैं ये तो एक बिला वजह हर चीज़ को सियासत की नज़र से करते हैं प्राइम मिनिस्टर जब बोलते हैं तो वो एक कंसिड वॉइस होती है जिसमें आपके फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री और तमाम लोग उस मौकफ को मुल्क के मफाद के मुताबिक जांच पड़ताल करके फिर फार्मूलेट करते हैं तो ये बात के जी इंडिया की जो मुलवस हमारे मामला के अंदर है उस पर कुछ सॉफ्ट है सवाल ही नहीं पैदा होता जितना मजबूत मौक़ प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असेंबली में पूरी दुनिया के सामने लिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती जितनी उनकी मीटिंग्स हुई हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन के साथ दीगर वर्ल्ड लीडर्स के साथ सब में उन्होंने ना सिर्फ इंडियन एट्रोसिटीज को हाईलाइट किया बल्कि इंडिया पर भी बात की है पाकिस्तान आज इमरान खान साहब ने कहा है कि ठीक है ये हुआ है बहुत बुरा हुआ है वो खुद भी कोटा गए लेकिन कह रहे हैं दो नवंबर का एहतियात कॉल ऑफ नहीं होगा तो आपके पास क्या ऑप्शन है इस्तीफा देंगे या तलाशी देंगे इनशाला आप देखेंगे दो नवंबर को इस्लामाबाद बंद कहां होगा इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स इंशाल्लाह वो खुद अपने हाथों बंद करने आ रहे हैं ये जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं ना ने, नेगेटिव कश्मीर के अंदर वो करिया करिया जिला जिला, जिला फिरे और यही रोना रोया उन्होंने उसका नतीजा क्या हुआ लोगों ने हमें दो तिहाई अक्सरियत दे दी गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने जाकर यही रोना रोया हर जगह पे हर जलसे के अंदर वो एक टेप है जो चलाते हैं उस टेप का नतीजा ये हुआ कि हमें वहां पर भी टू थर्ड मेजोरिटी मिल गई और इन आप देखेंगे कि इनकी इस पॉलिटिक्स से 2018 में पी को टू थर्ड मेजोरिटी मिलेगी देखिए एक आम आदमी जो है वो देख रहा है कि 2016 का पाकिस्तान 2013 से बेहतर है ये फर्क हो सकता है आप कहेंगे जी दो आने बेहतर है मैं कहूंगा छिया आने बेहतर है कोई तीसरा के आठ आने बेहतर है लेकिन बीस करोड़ लोग ये मैं आपके व्यूज़ को कहता हूं कि आप खुद अपनी ईमानदारी से बताएं कि दो में जहां पर हम खड़े थे क्या हम उससे पीछे गए हैं या आज मुल्क उससे ऊपर उठा है, है।, है। अभी वर्ल्ड आई की मैनेजिंग डायरेक्टर कल यहां पाकिस्तान से होकर गई हैं जी जितने कसीदे उन्होंने पाकिस्तान के इसके तीन सालों में टर्न अराउंड के पड़े हैं इस पे मैं थोड़ा सा है और में, मैं, 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 मैं आप मुकम्मल फिर मैं आपको मेरा नहीं आप बिल्कुल अख्तिलाफ कीजिएगा लेकिन इसके मकसद ये नहीं है कि हमारे मसाइल नहीं है लेकिन तीन सालों में जो हमने टर्न अराउंड किया है कि हम किस तरह नीचे नोज डाउन करके डिप कर रहे थे आज पाकिस्तान हैज हाइस्ट ग्रोथ रेट इन एट ईयर्स इट इज स्टिल नॉट वेयर जहां पे हम देखना चाहेंगे हमारी उठान है हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं हम नीचे की तरफ नहीं जा जाए बात करें एक तो कल जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई उसके बाद जो स्टेटमेंट आया पीएम हाउस का बड़ा पॉजिटिव था और उसमें भी कहा भी उन्होंने कि माशी बहरान की कैफियत से बाहर आ गए हैं ग्रोथ रेट बढ़ रहा है ये सब बातें की है लेकिन इसके बाद सेमिनार में जाके ये बातें की और तकरीबन एक चार्जशीट रखी उन्होंने बहुत सारी चीजों पर उन्होंने कहा <coughs> इन्वेस्टमेंट दस फीसदे में फीसद एक्सपोर्ट्स एक उन्होंने कहा आपके नीचे है, चार गुना कम है, है? जो नेशन से उनसे मुकाबले लेकिन पर आपका बजट जो डेट है वो 65 फाइव परसेंट ऑफी पीने के उन्हें खराब रुपये हो चुका है बात यह है कि ये सारे मसले आज के पैदा करदा नहीं है ये वो इश्यूज आप बता रहे हैं कि हमारा सेविंग रेट सबसे कम है इन्वेस्टमेंट रेट इस खत्ते में कम है हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले पचास साल से नहीं बढ़ सकी क्योंकि हम लो वैल्यू कमोडिटी सेक्टर के अंदर है ये वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो पिछले बीस तीस चालीस साल से हमारे सिस्टम के अंदर आ रहे हैं और इनको करैक करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं टाइम लगेगा से... लेकिन आप ये बात तो तस्लीम करें ना कि वो इकोनमी जिसको यही आई कह रहा था दो में कि ट्वेंटी फोर्टीन में देविल डिफॉल्ट वही मुल्क के जिसको पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा था कि इज द दे मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड आज उसको इमर्जिंग इकोनॉमी कह रहे हैं आज उसकी रिकवरी को तब्सली बहस के लिए टाइम चाहिए लेकिन पनामा के इशू के हवाले से आज उन्होंने ये कहा कि ईमानदारी शिफाफियत और एहतसाब का मामला है तो एहतिसाब कौन किसने का चीफ ने कहा हाँ। जी तो इसमें हम ईमानदारी और शफाफियत का का मामला है। का मामला है हमेशा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आई एम रेडी टू डिफेंड लेकिन मैं जिस चीज पर इतराज करता हूं ये इमरान खान साहब जो पनामा को कहते हैं जी करप्शन साबित होगी कहां करप्शन साबित होगी पनामा में पनामा लिस्ट किस चीज का नाम है पनामा लिस्ट नाम है ऑफशोर अकाउंट्स का क्या उसमें प्राइम मिनिस्टर के नाम के नाम से ऑफशोर अकाउंट है नहीं उनके बेटों के नाम से ऑफशोर अकाउंट है अगर ऑफ श्योर अकाउंट हो रखना करप्शन है वो तो इमरान खान साहब का भी ऑफ श्योर अकाउंट है कि नहीं है तो पैसा कहां से आए अच्छा तो इसी तरह उनकी पार्टी के तमाम लीडर्स का है हाँ. अब अगर वो ऑफ श्योर अकाउंट में आपको इतराज़ है कि ये पैसा है तो उसके लिए ट्रायल सुप्रीम कोर्ट शुरू कर, कर चुका है अब अगर आपका इस मुल्क के इदारों पर एतमाद है तो सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल करने दें आप क्या सुप्रीम कोर्ट की कनपटी पे पिस्तौल रख के अपनी का फैसला का खान करना की करना बड़ा है इमरान खान साहब की चले बात कर लेते सिर्फ वो भी ये कहते हैं जिन ट्यूआर्ड्स पे नवाज शरीफ साहब का एहतसब होगा उन्हीं पर मेरा भी एहतिया नहीं नहीं, नहीं वो कह रहे टीओ अच्छा आर वो, 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 वो कहते हैं ये प्रा, ये ट्यूअर्स बनाए पहले ये कर लें तो बाद में हमारी ऊपर बाद में देखी जाएगी हमने तो कहा कि आइए एक लाइन लगाए उसमें सब गुजर जाए छलने से लेकिन इसके बावजूद हैविंग दिस प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कहा और अभी फिर उन्होंने कहा कि आई विल इवन गो टू द ये मुझसे शुरू करें और सुप्रीम कोर्ट के सामने माई फैमिली विल प्रेजेंट माई अवर सेल्फ और अगर हम गुनागार हैं गुनागार हैं और हम बेगुनाए हैं तो बेगुना है अब दो ये सारी सूरत को देखते हुए दो नवंबर को रोकेंगे इनको इस्लामाबाद एंटर होने से आ, सड़कें ब्लॉक करने से या करने की इजाज़त दी जाए लेकिन आ, मैं आपको ये कहूँगा कि जमहूरियत में हक है इमरान खान साहब को बड़ा शौक है कि यूरोप की मिसालें देते हैं कि जी लंदन में एक मिलियन मार्च हुआ था रोम में एक मिलियन मार्च हुआ भाई अल्लाह के बंदे वो एक मिलियन मार्च खम्बे की बत्ती भी नहीं टूटी थी पिछली दफा आप जो धरने के अंदर इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए के डैमेज कर गए हैं और जो उसके अमीर तरक्की इसकी दोबारा बहाली पे हमें खर्च करना पड़ा उसका बिल कौन देगा टैक्स पे देगा ना ये अब आ रहे हैं शट डाउन करने ये कहते हैं और इनकी कौन है रोल मॉडल ये असल में बैंकॉक की जो येलो शर्ट मूवमेंट थी वहां की जो वहां की मुंतख हुकूमत को दो हजार चौदाह में तख्ता उल्टा गया वो प्राइम मिनिस्टर अगर इलेक्शन दोबारा होते तो उसने जीत जाना था अपोजिशन को यह था कि हम इलेक्शन से नहीं जीत सकते उन्होंने बैंकॉक में आके सेट इन किया शट डाउन किया से और उसको इतना लंबा किया कि फौज ने मार्शल तो फिर इनको सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल जो चल रहा है हम उस पर यकीन रखते हैं इनकी दोनों इनकी दोनों डिमांड जो है वो हम तस्लीम नहीं करते ठीक है और इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी चलेगा पाकिस्तान भी चलेगा और इमरान खान साहब के जरिए हम 2018 में दो तिहाई अक्षरेत हासिल करेंगे उनकी मेडल देंगे मुस्लिम लीग को मजबूत करना है बहुत कर। बहुत शुक्रिया एक ब्रेक लेंगे एक ब्रेक के बाद असद उमर साहब पे भी से बात करेंगे इन्हीं तमाम इशूज पे उन्होंने जो कहा है कि दो नवम्बर का एहतजा होगा बात होगी उनसे एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन कोयटा में ब्लास्ट के बाद आज इमरान खान साहब भी कोयटा पहुंचे लेकिन कोयटा जाने से पहले जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तू की थी तो उनसे यह सवाल हुआ था कि क्या आप अपना दो नवंबर का एहतजाज कॉल ऑफ करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी एहतजाज की तारीख नहीं बदलेगी दो नवंबर को इस्लामाबाद आएंगे इस्लामाबाद बंद करेंगे इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम जब भी कुछ करने लगते हैं मुल्क में कुछ ना कुछ हो जाता है मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं नवाज शरीफ एक सिक्योरिटी रिस्क बन गए पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस जब गए तो उन्होंने गुलपशन यादव के ऊपर बात की जो सिक्योरिटी लीक्स हुई मैं सवाल पूछता हूं कि अब तक क्यों नहीं वो लोगों के नाम सामने आए हम जब कुछ करने लगते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है मैं ये नहीं कह रहा ये कनेक्टेड है हो सकता है कि ये की हिंदुस्तान की डॉक्टरी हो दो नवंबर किसी सूरत ना डिले होगा कोई चीज उसको रोकेगी नहीं जो मर्जी आप कर ले नवाज शरीफ इंडो

आ, नहीं जी इसके ऊपर मेरे ख्याल में तकरीबन एक ही राय थी आ, कि दो नवंबर का जो एहत है वो जारी रहेगा बदकस्मती से पाकिस्तान में इमरान खान साहब गलत नहीं कह रहे हैं कि जब भी आप देखें कोई बड़ा इवेंट होता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ होता है लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है उसमें भी अब एक रिजिलियंस आ गई है ज़िंदगी चलती रहती है आगे बढ़ते रहते हैं और हम हम ये इजाजत नहीं देते इन को पाकिस्तान की कर सके। वैसे नहीं करना चाहिए खुदा ना खासा दो नवंबर के आस पास या दो नवंबर के उस वक्त जब आपका ये एहतजा जारी हो कुछ हो जाए तो पहले भी आपने कॉल ऑफ किया था धरना मरतवा करना पड़े आपको देखिए मफरूजा के ऊपर बात करते थोड़ा सा घबराहट मुझे इसलिए हो रही है नहीं, कि आज तो नहीं है। नहीं, मैं आप जो आगे की बात करें कि मैं हम ये पैगाम नहीं देना चाहते कि अच्छा ठीक है अगर तुम बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को कत्ल कर दो तो फिर हम नहीं करेंगे आप खुद कहते हैं ना कि लेकिन जब लेकिन, भी कुछ करने जाते, जाते हैं कुछ ना कुछ ना कुछ होता जरूर है ये अब ये नहीं हम कह रहे किसी साजिश के तहत ही जरूरी होता है लेकिन ये हो रहा है ऐसा मेरे ख्याल में सोलह दिसंबर जो था ए पी आप किसी पाकिस्तानी से भी बात करें वो कुछ एक अलग ही चीज थी बच्चे थे जिस तरीके से हुआ हालांकि इंसानी जान इंसानी जान होती है उसमें कोई शक नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे वो ए पी एस कुछ एक, एक, एक अलग ही चीज अब ये क्यों कह रहे हैं कि इसमें कोई साजिश की आप बात नहीं करें इमरान खान साहब तो साजिश की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है नवाज शरीफ साहब वो ये कह रहे थे कल भी उन्होंने कहा कि जब भी हम एहत करते हैं है, नवाज शरीफ मोदी का ये बात तो करते हैं तो कोई शक नहीं है कि वजीर आजम पाकिस्तान की इस वक्त जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उस खारजा पॉलिसी के ऊपर नरेंद्र मोदी की छाप हमें नजर आती है इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है जिस तरीके से जो माजरत अंदाजाना उनका अंदाज है आ, आ, हिंदुस्तान के बारे में कुलभूषण पकड़ा जाए उनसे मीडिया पूछता है ये आपका समान टेलीविजन आज दिखा रहा था कि लंदन में जब उनसे सवाल पूछा गया तो किस तरीके से उन्होंने गोल करने की बात की बजाय खुल के दो टोक मौका पेश करते इसी तरीके से वो जब भी ये मौका आता है वो उनकी जुबान लड़खड़ाती है जुगत हिंदुस्तान की बात आती है इसमें तो कोई शक नहीं आ, लेकिन वो उन्होंने खुद इमरान खान ने भी कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि कि वो कोई कोऑर्डिनेट करके हो रहा है हो सकता है हिंदुस्तान की ये आ, अपनी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो कोऑर्डिनेशन नहीं है। खान जब भी ये बात करते तो वो एक हिंट तो दे रहे हैं है जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है फिर ये क्या है तीसरी दफा वही सवाल पूछ रहे हैं दोबारा गौर से सुन ले इमरान खान ने आज ये नहीं कह रहा कि वो कोई कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है अबिद साहब ने आज ये कहा था कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बड़े हुबल वतन है और उनके ऊपर ये दहशतगर्दी का इल्जाम लगा देना ये दुरुस्त नहीं है तो उन्होंने कहा है वो वो भी गालिबन इस बात को इसी तरह ले रहे हैं जैसे कि मीडिया से सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप को करने की कोशिश करें कोई लिंक आपस में मुझे मैं जैसे मैंने कहा मैं ये नहीं लेकिन मैं जो दो टोक बोल रहा हूं नवाज शरीफ साहब की जुबान लड़खड़ाती है हिंदुस्तान की दहशत गर्दी के ऊपर दो टोक बात करते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान के वजीरम को खड़ा होकर दिफा करना चाहिए पाकिस्तान का दुनिया को बताना चाहिए हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है दहशत गर्द हुकूमत है कश्मीर में दहशत गर्दी कर रही है बलोचिस्तान में दहशत गर्दी करवा रही है कराची में दहशत गर्दी करवा रही है फाटा में दहशत गर्दी करवा रही है नवाज शरीफ ऐसा नहीं बोलते हैं उनकी जुबान लड़खड़ाती है इसमें कोई मुझे शक नहीं एक ट्वीट ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया एक तो यह बात की जा रही है ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको आपके ऊपर रख के बात की यानी कि तहरीके इंसाफ वो कहते हैं कि इंडिया अटैक कर रहा है एलो वर्किंग बाउंड्री पे कोयटा पिशावर में अफगानिस्तान से अटैक हो रहे हैं इस्लामाबाद में इमरान खान अटैक करने जा रहे हैं और यह एक एक्सीडेंटल कोर्डिनेशन है यानी कि हादसाती इतफाक है बहुत जबरदस्त वजीर दिफा है उम्मीद तो हमारी यह होती कि वो इसी तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ऊपर का, का दिफा करते लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का दिफा नहीं करते उनको अपने पाकिस्तानी जो है उनके खिलाफ बड़ी खुल के बात करते मैं बोल रहा हूं निस्कृत मैं यहां पर टीवी पे आगे साथ बोल रहा हूं नवाज इमरान खान ने रायविंड के जलसे के अंदर खड़े होकर बात की बात ठीक है कि आप लोग बड़े वोकल है इस इशू पे लेकिन जब इस तरह के हालात हो जब आपका पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा हो तो इस वक्त सियासत को इतने उरूज पर लेके जाना क्या ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है इसमें है या नहीं है क्या ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि एक वजीर आजम पाकिस्तान में बैठा हो जिसके ऊपर करप्शन के सबूत जो है सारी दुनिया में फैल चुके हो और जो बजाहिरी मैं लफ्ज बजाहिरी इस्तेमाल कर रहा हूं जो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान का दिफा करने को ना तैयार हो क्या ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कि एक ऐसा शख्स बैठा रहे पाकिस्तान के वजीर आजम की गद्दी के ऊपर जो नजरें झुका के हिंदुस्तान की तरफ देख ना सके आपके दो नवंबर के एहतजा पर आते हैं क्यों खान साहब को कल कॉल करने की जरूरत पड़ी काजी साहब को और माजरत की उनसे और फिर उनको शामिल किया देखिए जरूरत नहीं थी आ... पीटीआई जो है यह सवाल जो है ना अब खत्म हो चुका है ये राइब मार्च के बाद खत्म हो चुका है हमें ये सब बोलते हैं ना जरूरत किसकी है वो उस दिन दिखा दिया था हमने कि तरीके इंसाफ के साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है लेकिन कोई भी ऐसे पाकिस्तानी जो उस दिन आकर पाकिस्तान की इस अहम तरीन जहाद जा, के अंदर शिरकत करना चाहें वो तमाम मैं तो बार बार बोलता हूँ मुस्लिम नू, लीग नून के वर्कर रहनुमा उन उनके घरों में मुहब वतन लोग हैं

बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जिस तरीके से सुबह से लेकर रात तक उनका वहां पर वर्कर बैठता था तरीके इंसाफ का वर्कर इस कंसिस्टेंसी से नहीं बैठता था लेकिन उनका धरना उठने के बाद तरीके इंसाफ का धरना वहां पर चला तरीके इंसाफ के सबसे बड़े इज्तम जो पाकिस्तान के अंदर हुए जो पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बड़े जलसे थे वो उसके बाद हुए लेकिन सबसे अहम चीज सबसे अहम चीज जो तीन लॉकडाउन हुए फैसलाबाद लाहौर कराची वो पैट या कोई और पार्टी नहीं थी अकेले तरीके इंसाफ ने किया था तरीके इंसाफ का वर्कर शहीद हुआ था फैसलाबाद में हकनवाज ये, ये, ये काम जो है पीटीआई के वर्कर द, ने करके दस दिया था दस लाख आपने कहा है कि लोग होंगे इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं दस लाख होंगे अब कादरी साहब भी शामिल होंगे तो मेरे ख्याल से ये फिगर

केपी वाले पहले आ गए इस्लामाबाद पहले निकल गया वो लाहौर वाले उधर रह गए बीच में गुजराम वाले तो इस दफा होपफुली कॉर्डिनेटेड होकर सब एक जगह पे जमा होंगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी मेरी गिनती तो बड़ी तो कम आगे मेरी गिनती बड़ी कमजोर है मुझसे क्राउड गिने से लाख लाख से हो जाते हैं परवेज रशीद और फैसल जावेद दोनों का हम कहेंगे कि काउंट करें मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूं दो, ता, दो तारीख की शाम को जब शहजाद मिलेंगे तो कि हाँ वाकई पाकिस्तान निकला है आज और क्या इकबाल, ये आपसे सवाल करेंगे कि ये तशद अगर हुआ इस्लामाबाद में तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है तरीके इंसाफ पर आती है पाकिस्तानी तहरीक पर आती है या हुत पर आती है इनशाला नहीं इन तशद होगा ही नहीं अगर हुआ अगर हुआ तो उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हुकूमत हो सकती है क्योंकि यहां पर तशद जो है वो इनिशियट होगा नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान अवानी तहरीक के लोग क्या है यार मेरी फैमिली आ आ रही औरतें बच्चे दर, आ रहे हैं ये दर, वाले दर, लोग में भी था लेकिन पीटी पे हमला हुआ पार्लियामेंट पर हमला हुआ पीटी पर और आरिफ अलवी साहब के मुताबिक आरिफ अलवी साहब के मुताबिक वो आपके लोग नहीं थे वो पाकिस्तान अवमी तहरीक के लोग थे आरिफ अलवी साहब से बोलेंगे अगर वो जानते हैं उन लोगों को तो बड़ी मुझे भी बता दें कि यार वो कौन से पाकिस्तान की तरीक नहीं जानते लेकिन किस जमात वही तो बोलता हूँ आप एक रिस्क ले रहे वही तो बोल रहा हूँ ना कि अगर वो उनको जानते हैं तो जब उनको पता ना ये पाकिस्तान

और गए भी भाई दी वो हमला जो था उसमें पेस्ट्रियां खा के वापस आ गए थे हमला ऐसा था अगर अगर स्टेट टेलीविजन बंद हो जाए आप उसको हमला कहेंगे पार्लियामेंट वहां पे जो काम गलत हो रहा था जिस इधारे में तो, आप जाते हैं उसकी ग्रिल जाए जाए काटी नहीं मैं मैं आपको बोलता हूं जो काम गलत है वो गलत है काम इसीलिए जब वो लोग वहां पे थे ना मैंने टीवी तो पे देखा था मैंने फोन किया इमरान खान को कि वहां घुस गए कोई टीवी स्टेशन के अंदर कोई घुस गए इमरान खान ने उसी वक्त खड़े होकर जब वो लोग अंदर थे वहां से ऐलान किया था कि जो भी है बाहर निकलो और खासतौर पर अगर हमारा कोई बंदा है तो वहां से बाहर निकलो तीसरी कुत का इमरान खान साहब ने कल जिक्र किया उन्होंने कहा कि अगर तीसरी कुत इंटरव्यून करती है तो उसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर आती है क्या कोई ऐसा इम्कान है तहरीक इंसाफ की नजर में कि कुछ हो सकता है कोई इंटरवेंशन हो सकती है तलाल चौधरी साहब ने कहा था तीसरी की करबारी यही सारा ये तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था और ये इशारों के में उन्होंने खुल के बोल दिया उससे पहले इशारों के नायों में ये रोजाना मुस्लिम लीग नून के लीडर्स कह रहे थे उसी के जवाब में इमरान खान ने यह स्टेटमेंट दिया था लेकिन कोई इंटरवेंशन का चांस नहीं है। नहीं चाहती है किसी के नहीं। नतीजा कैसे नहीं। यान ने बड़ी सादा सी बात सबसे पूछी स्ट्रगल करता रहूं कि किसी और के नतीजा कैसे निकलेगा फिर नतीजा निकलेगा पाकिस्तान। जितने भी लोगों से ऑफ द हैं हमें नहीं पता क्या होने जा रहा है आपको पता है क्या होने जा रहा है रिजल्ट कैसे निकलेगा आपके फेवर में रिजल्ट निकलेगा कैसे हमारे फेवर में नहीं रिजल्ट निकलेगा पाकिस्तान के अवाम के हक में पाकिस्तान के आइन के हक में पाकिस्तान की जमहूरियत के हक में। क्या लगता है कैसे नवाज शेख साहब इस्तीफा दे, दे देंगे या नवाज शरीफ साहब जो है इंक्वायरी के लिए मेरे ख्याल में।, में तलाशी देने पर आखिर में आमादा हो जाएंगे क्या कोई मुसल्ला अफराद इस धरने में शिरकत करने जा रहे हैं आपके साथ किसी को दावत दी है खुदा ना खास था, मुशल, क्योंकि इस पे, इस पे आसिफ साहब ने ट्वीट किया था किया था और वो डिफेंस मिनिस्टर है ये भी एक हुकूमत की अल्लाह जानता है जो जो वाली स्टोरी जो है वो प्लेस करवा दी सारी दुनिया में जलील करवाया पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर धंधनाते फिर रहे हैं अब वही बात जो है